Good evening, friends. You are watching Tech for Net channel, and this is Nandan Bajpai. तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई जानकारी देने वाला हूँ, कुछ विशेष टॉपिक ले टॉपिक क्या एक मतलब एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब मैंने कमेंट पर देखा था, किसी ने पूछा था, तो मैं उससे संबंधित जुड़ी जानकारी लेकर के आया हूँ। होप आपको समझ में आए। तो कमेंट ये था किसी का कि मतलब वो ये पूछ रहा था किसी मतलब पुराने यूट्यूबर्स के चैनल पर, उसका कमेंट मैंने देखा था, तो वो उसने उससे पूछा था कि भाई मेरा चैनल जो है 2 या 3 साल पुराना था, बनाया हुआ था, और 2 या 3 साल पुराना जो चैनल था मेरा, उस पर वो पहले मोनिटाइज भी था, ठीक है, मैं पैसे भी कमाता था, लेकिन इधर यूट्यूब का जो नया क्राइटेरिया आया है, नए रूल्स आए हैं, उसकी वजह से मेरा मोनिटाइजेशन जो है वो बंद हो गया है। अब वो ये पूछ रहा है कि भविष्य में मेरा जो है मोनेटाइज ऑन होगा या नहीं होगा। अब वो ये भी बता रहा है कि मेरा जो 2 या 3 साल पहले मेरा जो चैनल था, ये मोनेटाइज तो था, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर नहीं थे पूरे। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि उस समय यूट्यूब का जो क्राइटेरिया था वो 10,000 व्यूज का था। ये नए रूल्स तो बाद में आया है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 का वॉच टाइम। तो उसका सवाल जो है मुझे अच्छा लगा और उसने अच्छी जानकारी पूछी, तो मैं उसे यहाँ पर, अगर कोई चैनल देख रहा हो या कभी देखे उस तक ये वीडियो पहुँचे, या आपका भी अगर ये सवाल हो तो मैं आपको बता दूँ कि वो चैनल जो है वो जरूर मोनेटाइज होगा, बस क्राइटेरिया पूरा करना होगा उसको। कोई मतलब नहीं उसका चैनल इतना पुराना रहा हो, कोई मतलब नहीं है कि उसका पहले मोनेटाइज हो अब नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि यूट्यूब नया रूल लाया, अगर वो क्राइटेरिया अपना पूरा करने को बोल रहा है, तो ये कोई पहली बार तो नहीं बोल रहा यूट्यूब, ये हम लोगों को हर साल बोलता है। हर एक जब भी आपका क्राइटेरिया पूरा होता है, वो रिव्यू पे जाता है, फर्स्ट टाइम वो रिव्यू पे जाता है, रिव्यू पे जाने होने के बाद उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन ऑन होता है। ऑन होने के बाद आपको 1 साल फिर मिलता है, उस 1 साल में आपको जो है 4000 वॉच टाइम जो है पूरा करना होता है, 4000 आवर का। उसके बाद आपको जब ये 1 साल पूरा, आपको 4000 आवर का वॉच टाइम आप पूरा कर लेते हो, फिर दोबारा आपको फिर से नया साल मिल जाता है। तो ये हर साल, अभी आगे क्या यूट्यूब करता है ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी यही चल रहा है। तो मैं उसको बताना चाहूँगा, मैं उसका यहाँ नाम नहीं ले सकता हूँ, तो उस बंदे ने जो कमेंट की थी उसको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी, और इससे थोड़ा सा वो जो है मतलब अगर डीमोटिवेट हो रहा होगा तो उसको जो है मोटिवेशन मिल जाएगा, और वो थोड़ा सा जो है अपने चैनल पर ध्यान देने लगेगा। तो वो उसको मैं कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, आप अपना क्राइटेरिया पूरा करिए, 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स का जो है वॉच टाइम पूरा करिए, जरूर मोनेटाइज होगा आपका, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, आप में से कई लोग अभी भी ऐसे होंगे जो दरअसल ये जो क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर 4000 आवर्स का जो क्राइटेरिया है, इसके बारे में अभी बहुत से लोग, कम लोग जानते होंगे कि आखिर ये मतलब एक बार लगना है या बार बार लगना है, ये क्या है। तो मैं आज फिर से बता दूं आपको, बहुत से लोगों ने बताया भी है, अगर आप नहीं सुन पाए तो मेरे जो है द्वारा भी आपको जो है यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए आप कि आप जो YouTube नया रूल लेकर के आया था, ये जो 1000 सब्सक्राइबर आपको पूरा करने हैं और 4000 आवर्स आपके वीडियोस देखे जाने होंगे, ठीक है, उसके बाद ही आपका चैनल जो है रिव्यू पे जाएगा और मोनेटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए, जिस दिन ये क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाता है, आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, ऑन होने के बाद आपको 1 साल ही मिलता है, 1 साल कंप्लीट होने मतलब होते ही आपका अगर जो है वो, मान लीजिए आज की डेट, आपने पिछले 1 साल का, आपको 1 साल हो गया आज की डेट से, ठीक है, तो आज की डेट से लेकर के अगर पहले पिछले 1 साल तक आपने अच्छा खासा जो है अर्निंग भी कर ली है, मोनेटाइजेशन ऑन भी हो गया था आपका, अब आज की डेट में अगर 4000 आवर्स आपके पूरे हो रहे हैं, तो कल की डेट में जो है दोबारा आपको जो है मोनेटाइजेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया आपको हर साल पूरा करना होगा,
मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, क्योंकि मैं जो है जो टॉपिक लेकर के आता हूँ कहीं से लेकर के नहीं आता हूँ, आप ही लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ तब मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि मेरे को व्यू मिलता है या नहीं मिलता है, बस इस बात की खुशी है किसी के काम आ जाता हूँ, बड़ी बात है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। वैसे तो बहुत वीडियो बना चुका हूँ, अभी धीरे धीरे अगर आप लोग चाहोगे तो तरक्की मिलेगी। ओके।